बरस झुन के अंगना में फिर आ जा रे। देवभूमि को दहला देने वाली घटना अंकिता हत्याकांड पर अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित सभी आरोपियों को फांसी देने के लिए प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के पास आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। अय्याशी के अड्डे वनंतरा रिजॉर्ट पर रातों रात सरकार ने बुलडोजर चला दिया। सोशल मीडिया से सड़कों तक लोग अंकिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को गुस्साई भीड़ ने बिगड़े रईस पूर्व भाजपा नेता के आरोपी बेटे की फैक्ट्री फूंक दी। गुस्साए लोगों ने जनप्रतिनिधियों का भी भारी विरोध किया। अंकिता के पिता और भाई ने रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने पर भी सवाल उठाए हैं। जो सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट तोड़ फोड़ किया, क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है, तो दूसरी मांग है कि लड़की का देश सरकार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकिता की मौत पूरी तरह पीटने के बाद नहर में धक्का देने से हुई है, लेकिन अंकिता के परिजन अब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने भी पीड़ित परिवार से बात कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई करने के लिए आपको निर्देश दिया सर? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। पौड़ी की बेटी अंकिता की चीखें रात के अंधेरे में दब गई, लेकिन उसकी आखिरी चैट दरिंद्रों की हकीकत बता रही है। उसे रिजॉर्ट में ग्राहकों को स्पेशल सर्विस देने पर दबाव बनाया जाता था, लेकिन अंकिता इन रही ज्यादों के दबाव पर नहीं झुकी। अंकिता को नौकरी करते हुए महीना भर भी नहीं हुआ था। होनहार अंकिता ने गलत काम न करने के लिए नौकरी छोड़ने तक का फैसला ले लिया, लेकिन दरिंद्रों ने इससे पहले ही प्लानिंग के तहत अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। जवान बेटी की हत्या के बाद अब अंकिता के परिवार के सामने मानो अंधकार के बादल छा गए हों। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।